देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मामलों में लगातार उछाल दिखाई मिल रही है। मुंबई में बीते कई दिनों से कोरोना के मामले में तेजी आ रही है। इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने मुंबई में कोरोना को लगातार बढ़ते मामले को लेकर चिंता जताई है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए मुंबई में कोरोना के केसेस की संख्या आज से 2000 के आंकड़ों को पार कर सकती है। इससे पहले आदित्य ठाकरे मेयर किशोरी पेड़नेकर और बृहन्मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शहर के मौजूदा कोविड-19 स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया। उधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले पर चिंता जताई। महाराष्ट्र के मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई में एक बार फिर पाबंदियां लगाने का संकेत दिया है। बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए टोपे जी ने कहा कि अगर कोविड पॉजिटिविटी रेट 5% से अधिक हो जाता है तो राज्य सरकार को प्रतिबंधों को वापस लाने के बारे में सोचना होगा। राजेश टोपे ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जल्द ही इस पर निर्णय लेने के लिए कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक करेंगे। टोपे जी ने कहा कि राज्य में एग्जिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि आने की चिंता का विषय है। मुंबई का पॉजिटिविटी रेट 4% है, अगर यह 5% से ऊपर जाता है तो हमें प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना होगा।